प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना जिसके जरिए देश के करोड़ों किसानों की हर साल आर्थिक मदद होती है। इस योजना से किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि हर 4 महीने पर 2,000 रुपए करके 3 बार किसानों को मिलते हैं। अब इसके लिए पीएम किसान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना जरूरी है, और ऐसे में अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में ला दी जा सकती है। किसानों के खाते में अब तक पीएम किसान योजना की 10 किस्तों का पैसा ट्रांसफर हो चुका है और 11वीं किस्तों का इंतजार देश के किसानों को बेसब्री से हो रहा है। अगर हम पिछली किस्त की बात करें तो ये पैसा 1 जनवरी 2022 को भेजा गया था और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 11वीं किस्त किसानों के खाते में 15 मई तक ट्रांसफर की जा सकती है, जिसमें मात्र 4 दिन ही बचे हैं। लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या एक परिवार से एक से ज्यादा सदस्य को पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है? नियमों की माने तो बिल्कुल नहीं। एक परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है। यदि दूसरा सदस्य आर्थिक लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और पैसा भी वापस लिया जा सकता है। इसी के साथ आपको भी सचेत किया जाता है कि अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो वहीं दूसरा सवाल ये बनता है, किसानों को भले ही पीएम योजना से साल के 6,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन किसान आज सरकार के उस वादे को भूल गए हैं जिसमें सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। तो वहीं बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर महीनों तक आंदोलन किया था, जिसमें राजधानी दिल्ली को सीमाओं से घेर कर महीनों तक सड़कों पर बोरिया बिस्तर बांधकर किसान वहीं बैठे रहे थे। इस आंदोलन में कई किसानों की जान तक चली गई थी और उनकी मांगे आज भी पूरी हैं। आज भी वो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब सरकार इनकी मांगों को पूरी करेगी और कब किसानों के चेहरे पे खुशहाली लौटेगी और इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनहित आवाज़।